तो दोस्तों मेरे पास आज एक फिर से जॉब ओपनिंग है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप पूरा देखना ताकि जितने भी डाउट्स हैं वो इसी वीडियो में क्लियर हो जाएं। बाद में फिर आप कहीं व्हाट्सएप पे पिंग करते हो, कहीं ईमेल करते हो, तो वो चीज़ ना हो। तो मैं बता दूं, ये एक टेक्निकल प्रोफाइल की जॉब है जो कि आईटी सिक्योरिटी की होती है। अब आईटी सिक्योरिटी का तो फ्यूचर आपको पता ही होगा कितना ज़्यादा बूम हो रहा है या आगे चल के कितना होने वाला है। तो मैं और लास्ट में इसमें मैं बताऊंगा आपको करियर ग्रोथ क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सारा मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ये टेक्निकल सपोर्ट है जिसकी जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो कस्टमर की टेक्निकल क्वेरीज होती हैं वो उस पर आपको सपोर्ट करना है, वो चाहे ईमेल के थ्रू हो और वो चाहे कॉल्स के थ्रू हो। तो देखो, आंसर एंड फॉलोअप्स ऑफ कस्टमर केसेस थ्रू ईमेल्स एंड ओवर कॉल, तो ये आपको सपोर्ट देना है कॉल्स पे या ईमेल पे। जो भी कस्टमर की क्वेरीज आती हैं विदिन द एसएलए एंटायर, जो कंपनी में एसएलए एंटायर होता है उसके अंदर ही आपको उसका सपोर्ट देना है। और फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू, मतलब कस्टमर या क्लाइंट का क्या एग्जैक्टली इशू है वो आपको समझना पड़ेगा उसमें। बेसिक ट्रबल शूटिंग ऑफ द सिनेरियो, लॉक्स कलेक्ट करना, इशूज देखना, मतलब ये मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। जैसे कोई एक टूल होता है, टूल वो उस सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल है, उस टूल के लॉक्स निकालना है, उस टूल में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें करना पड़ेगा। रिसर्च द इशू विथ पार्टनर्स एंड टीम मेंबर्स। देखो क्या होता है कि आपको कई बार ऐसा होता है कि जब आप सिस्टम में ट्रबल शूट कर रहे होते हो, आपको वो चीज़ नहीं पता होती है, तो अपने टीम मेंबर्स के साथ में बैठ के उस पर R&D करना, मतलब रिसर्च करना और कैसे सॉल्व होगा, वो एक एक साथ बैठ के वो सारी चीज़ें चेक करना। और जो बाकी आपको पता है कंपनी में डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्लस में टिकटिंग टूल पे काम करना, जो टिकट्स होता है उसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कैसे करते हैं, तो वो आपको डिटेल भी होनी चाहिए। ये मैं जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ अभी। और कुछ परफॉर्म अदर ड्यूटीज एंड टास्क विच इज असाइंड बाय द मैनेजर, मतलब कुछ अदर टास्क एक्टिविटी अगर होती है सपोर्ट के अलावा, तो आपको वो सारे काम करने हैं इस जॉब प्रोफाइल में। अभी मैं यहाँ पे बात करूँ रिक्वायर्ड स्किल्स की, तो देखो आपको क्या क्या आना चाहिए। ट्रबल शूटिंग ऑफ लेटेस्ट OS, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, लिनक्स हो गया। जी हाँ, आपको लिनक्स का भी आना चाहिए क्योंकि ये एक DLP टूल है, डेटा लॉस प्रिवेंशन टूल है, जो कि IT सिक्योरिटी में काम यूज होता है। तो उसके लिए आपको लिनक्स भी आना चाहिए। कई बार ये सर्वर्स में इंस्टॉल होता है, नहीं तो विंडोज़ में या मैक में तो आपको मिल ही जाएगा। और फैमिलियरिटी विद द सपोर्ट टूल्स, सपोर्ट टूल्स मीन्स रिमोट टूल्स, जैसे कि एनीडेक्स हो गया, टीम व्यूअर हो गया, WebEX हो गया, टीम्स हो गया, तो इन सपोर्ट टूल्स का आपको नॉलेज होना चाहिए जिससे हम मशीन को रिमोटली एक्सेस करके टेबल शूट करते हैं। और विंडोज़ के बारे में पता होना चाहिए, जो बेसिक टेबल शूटिंग होती है, जैसे फाइल सिस्टम हो गया, सर्विसेस हो गया, परमिशंस हो गया, कैसे देते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक्टिव डायरेक्टरी, डोमेन हो गया, इसके बाद में ग्रुप्स हो गई, पॉलिसीज हो गई, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए एक्टिव डायरेक्टरी का भी। लिनक्स एंड नेटवर्क फंडामेंटल, देखो लिनक्स का तो मैंने आपको बताया कि आपको उसका नॉलेज होना ही चाहिए, एंड नेटवर्क फंडामेंटल इन द सेंस कि जब आप वो टूल किसी सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हो, इसके बाद में वो टूल ऐसा तो नहीं है नेटवर्क में ब्लॉक कर रहा है, तो बेसिक नेटवर्किंग भी आपको आनी चाहिए। एंड डे शिफ्ट जॉब है, 9:30 to 6:30 तक, 6 days वर्किंग है इन अ वीक। और आपका कम्युनिकेशन, रिटेन एंड वर्बल कम्युनिकेशन, मैं ये तो नहीं कहूँगा एक्सीलेंट, बट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब आप क्लाइंट के साथ डील करते हो, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते हो, तो आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप सी एस या कंप्यूटर साइंस में आप किसी भी फील्ड से हो सकते हो, BSc, CSIT, BTech, BCA, या कुछ सेम आपके पास फील्ड होना चाहिए जिसमें CSIT रिलेटेड हो, या इलेक्ट्रिकल हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, जिसको BC ब्रांच बोलते हैं, तो इससे रिलेटेड आपके पास कोई एक डिग्री जरूर होना चाहिए। अब इसमें यह नहीं है कि आपको पूरा पूरा आपके पास BTech हो, MTech हो, तभी आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई सा भी अगर आपके पास कोर्स है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसमें अप्लाई लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करोगे, आप उस वेबसाइट के पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो जाओगे, वहाँ पर आपको कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, व्हाट्सअप का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो। तो जॉब पे अप्लाई करने के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो।
एंड देखो दोस्तों, अब मैं बात करूँ करियर फ्यूचर और सैलरी के बारे में, तो आईटी सिक्योरिटी के लिए एक ये बेस जॉब हो सकती है, जो कि फ्यूचर में इसका बहुत अच्छा खासा स्कोप होने वाला है। बहुत अच्छी खासी ये जॉब आपके लिए हो सकती है और सैलरी आपको 25-30 हज़ार पर मंथ के आसपास आपको दे दिया जाएगा। बाकी डिपेंड करता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, क्योंकि इसमें मिनिमम 6 मंथ का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होगा अगर आपके पास है टेक्निकल सपोर्ट या डेस्कटॉप सपोर्ट का। तो डिपेंड करता है आपको एक्सपीरियंस कितना है, कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, इंटरव्यू आपने कैसा दिया हुआ है। तो जॉब अप्लाई करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। तो बाकी अगर डेस्कटॉप सपोर्ट, आईटी सपोर्ट या टेक्निकल सपोर्ट के क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको चाहिए, जो कि आपको 90 या 95% आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट करवा दें, वो नीचे आपको मिल जाएगा। और मेरा बेस्ट रिज्यूमे आपको दिया, जो आपको 100% शॉर्ट लिस्ट कराएगा जॉब के लिए। तो आप नीचे में उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।